हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। कई दिनों से ट्विटर पर लोग बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड भी करवा रहे हैं। अब आमिर खान की वजह से अमिताभ बच्चन और उनका शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 14 बुरे फंस गए हैं। आमिर खान की वजह से बिग बी और केबीसी की काफी आलोचना हो रही है। बता दें, कौन बनेगा करोड़पति के 14वें सीजन की शुरुआत हो चुकी है। इस साल भी अमिताभ बच्चन हॉट सीट पर आपसे सवाल पूछने के लिए तैयार हैं। केबीसी का पहला एपिसोड आजादी दिवस स्पेशल था और इसे भारत के नायकों को समर्पित किया गया। वहीं पहले एपिसोड में आमिर खान भी इस क्विज शो में अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा के प्रमोशन के लिए पहुंच गए, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर अब हंगामा शुरू हो गया है। लाल सिंह चड्ढा का जब से ट्रेलर लॉन्च हुआ है, तब से ही सोशल मीडिया पर फिल्म का विरोध हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर हैशटैग बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर पर आमिर खान के असहिष्णुता वाले कमेंट को लेकर लोग उनकी फिल्म ना देखने की मांग कर रहे हैं। अब आमिर को केबीसी 14 में देखकर लोग भड़क गए। इसके साथ साथ उन्होंने केबीसी के बॉयकॉट का ट्रेंड भी शुरू करवा दिया। ट्वीट पर एक के बाद एक पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि केबीसी एक स्क्रिप्टेड और फेक शो है। लोग जमकर ट्विटर पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जैसे एक यूजर ने लिखा, जेंटल रिमाइंडर, प्लीज बॉयकॉट केबीसी शो फीचरिंग आमिर खान, हु वांटेड यू टू डू सो ओनली। Don't you follow what Amir Khan preached? You boycott KBC. Let him realize that your choice matters. They are zero in India. एक और यूजर ने लिखा, Is it a game or promotion sponsored by Mr. Amir Khan and hosted by Mr. Amitabh Bachchan? Shame, shame, shame. एक और यूजर ने लिखा, Didn't like the way senior Bachchan applauded and sang praises while introducing Amir Khan in the launching episode of KBC. Why such wordings for the man who once said that he fears living in India, but this happens only in intolerant India. एक और यूजर ने लिखा, जिहादी आमिर की फिल्म को हिट कराने का ठेका सदी के महानालायक ने ले लिया है। समय की मांग है अब इसके केबीसी का भी बॉयकॉट कर महानालायक को उसकी औकात दिखाई जाए। एक और यूजर ने लिखा, Don't know why Amitabh Bachchan and Sony TV invited intolerant Bollywood actor as guest for Kaun Banega Karodpati program. Not expected this from senior Bachchan and Sony TV. Disgusting. एक और यूजर ने लिखा, अमिताभ बच्चन ने लाल सिंह हिट करवाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है, अब केबीसी फ्लॉप कराने की जिम्मेदारी हम सनातनी लेते हैं। तो देखा आपने, लोग इस कदर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बता दें, लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, पर लोग आमिर खान और करीना कपूर के पुराने बयानों को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। जैसे एक इंटरव्यू में करीना ने कहा था, अगर आपको हमारी फिल्मों से प्रॉब्लम है तो मत देखने जाइए सिनेमा में, किसी ने आपको मजबूर नहीं किया। तो वहीं आमिर खान ने साल 2015 में कहा था कि उनकी पत्नी किरण राव को इस देश में डर लगता है। आमिर और करीना के इन्हीं बयानों के चलते लाल सिंह चड्ढा का विरोध हो रहा है। खैर, देखने वाली बात अब ये होगी कि अद्वैत चंदन के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाती है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।